भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस फर्म इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी का जून 2022 को समाप्त तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 3.2% बढ़ा है और ये 5,362 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बेंगलुरु स्थित इस आईटी कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की समान अवधि में 5,195 करोड़ रुपए था। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इन्फोसिस के नेट प्रॉफिट में 8-10% की वृद्धि की उम्मीद थी। शुक्रवार को इन्फोसिस का शेयर 1.73% की गिरावट के साथ 1,506 प्रति शेयर पर बंद हुआ था। कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार जून तिमाही में इसके राजस्व में 23.6% का उछाल देखने को मिला है। ये बढ़कर 34,470 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 27,896 करोड़ रुपए था। पहली तिमाही की वृद्धि से उत्साहित इन्फोसिस ने पूरे वित्त वर्ष के लिए अपने राजस्व आकलन को संशोधित करते हुए 14-16% कर दिया है। पहले राजस्व आकलन 13-15% वृद्धि का था। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 20.1% रहा, जिसमें सालाना आधार पर 3.6% और तिमाही आधार पर 1.4% की गिरावट रही। इन्फोसिस ने पहले तिमाही में 106 क्लाइंट जोड़े, जबकि कुल कर्मचारियों की संख्या पिछली तिमाही के 3.14 लाख से बढ़कर 3.35 लाख हो गई। कंपनी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर सलील पारेख ने एक बयान में कहा, अनिश्चितता से भरे आर्थिक माहौल के बीच पहली तिमाही में हमारा समग्र प्रदर्शन सशक्त रहा है। ये एक संगठन के तौर पर हमारे स्वाभाविक लचीलेपन, हमारे इंडस्ट्री लीडिंग डिजिटल कैपेबिलिटी और सतत ग्राहक प्रासंगिकता का एक सबूत है। पारेख ने कहा, हम प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़ने पर निवेश कर रहे हैं ताकि उभर रहे बाजार अवसरों का लाभ उठा सकें। पहली तिमाही में अच्छे प्रदर्शन के रूप में इसका नतीजा सामने आया है और वित्त वर्ष के लिए राजस्व आकलन को भी बढ़ाकर 14-16% कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पुस्तक।